नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सिक्योर किचन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज मेरे मम्मी जी से सीखते हैं मारवाड़ी स्टाइल में कढ़ी बनाना। तो ये 250 ग्राम हल्का खट्टा दही ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे लगभग ये 2 बड़े चम्मच हमने बेसन डाला है और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मथ लेंगे अच्छे से दही में। तो ये देखिए मेरा बेटा भी कढ़ी बनाने में हेल्प कर रहा है। और ये हमने मसाला तैयार किया है, तो इसमें ले ली है 2 हरी मिर्च, 8-10 कलियां लहसुन की, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और इसी में हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी को हमने कूट के तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और जो फ्रेश हरे धनिये की डंडियां होती है वो भी हमने इसी में शामिल करके साथ में ही कूट ली है। तो अब हमने ऑयल गरम कर लिया है ये 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे ये खड़ी मेथी है, सूखी दाना मेथी जिसे कहते हैं। अब डाल देंगे हम ये 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच ही जीरा डाल देंगे और इनको अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। अब डाल दिया है 1/2 चम्मच हमने हींग पाउडर और फ्रेश कड़ी पत्ते। और हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद में जो मसाला हमने तैयार किया था कूट के मिक्स करके वो हम डाल देंगे। जो मसाला हमने कूट के तैयार किया था उसको पानी की सहायता से हमने थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि वो जले नहीं। तो अब इस मसाले को हम पकने देंगे, थोड़ा सा पानी उसमें हम मिला देंगे ताकि मसाला जले नहीं, अच्छे से पक सके। तो इस स्टाइल में एक बार कढ़ी बना के देखिए, बहुत ही शानदार बनती है। तो मेरी मम्मी जी ये मारवाड़ी स्टाइल वाली कढ़ी बहुत ही शानदार बनाते हैं, इसलिए मैंने आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो अब इस मसाले को हम पकने देंगे अच्छे तरीके से लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तब तक हम दही में जो हमने बेसन डाला है उसको अच्छे तरीके से मथ लेते हैं, गुठलियां नहीं होनी चाहिए इसमें बेसन की। और ये है भीगी हुई चना दाल है, लगभग ये 2 टेबल स्पून के करीब है भीगी हुई चना दाल को हम इस मसाले में। सबसे पहले जो मसाला हमारा पक चुका है तो जो ऊपर मसाले के ऊपर जो ऑयल ग्रेवी आ जाती है, तरी को हम कटोरी में थोड़ा निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें कढ़ी में डबल तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तड़का हम ऊपर से डाल देंगे। और मसाला निकालने के बाद में हमने ये भीगी हुई चना दाल डाल दी है, मिक्स कर लिया है। अब डाल देते हैं हम ये फैटा हुआ दही और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो ये जितना आपका खट्टा दही है उसके हिसाब से बैलेंस करके पानी डाल लें, जितनी आपको ज्यादा खट्टी पसंद है तो पानी कम डालें और थोड़ी आपको हल्की खट्टी पसंद है उसके हिसाब से आप पानी थोड़ा ज्यादा डाल लें। तो अब इसको ध्यान रखना है कि लगातार चलाते हुए, जब तक कढ़ी में उबाल ना आ जाए तब तक इसको पकाएंगे चलाते हुए। कई बार क्या होता है कि कढ़ी को हम चलाना छोड़ देते हैं तो वो फट जाती है। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए पकाया है तो कढ़ी में उबाल आ गया है। तो अब कढ़ी को हम लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, बीच बीच में हिलाते रहें। देखिए एकदम परफेक्ट है, ना गाढ़ी है ना बहुत ज्यादा पतली है। इन कढ़ी को पकने के बाद में अगर हम छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कढ़ी को पहले से ही बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे। और ये मसाला है जो हमने पहले निकाल के रखा था पकने के बाद में, इसको हम ऊपर से यूज करेंगे जिससे कि हमें डबल तड़का ना लगाना पड़े और इससे कढ़ी का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ही शानदार हो जाते हैं। तो ये देखिए कढ़ी हमारी पक चुकी है, लगभग 15 मिनट इसको पकाया है। तो अब ये हम बचा हुआ जो हमने मसाला रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार कढ़ी का कलर हो गया है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और 1 मिनट और पका लेते हैं मसाला डालने के बाद में। तो देखिए बहुत ही आसान से रेसिपी है लेकिन बहुत ही शानदार है। इस तरीके से अगर आप मारवाड़ी स्टाइल की कढ़ी बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मजा आ जाएगा। स्पेशली ये बाजरी की जो सोगरे होते हैं, बाजरे की रोटी, उसके साथ तो ये बहुत ही शानदार लगती है। तो कढ़ी बिल्कुल तैयार है, तो अब डाल देते हैं फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इसको हम गैस को बंद करके 1-2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे
और ये देखिए ये है हरे धनिए की कच्ची जो डंडियाँ होती है वो भी हमने कड़ी के साथ ही उबाल दिया है। उससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी हरे धनिए की खुशबू हो जाती है कड़ी में। तो ये कड़ी देखिए बहुत ही शानदार परफेक्ट इसका कलर आया है। गैस को बंद कर देते हैं और 2 मिनट के लिए ढक के हमने इसको छोड़ दिया था बंद करने के बाद में। तो देखिए कड़ी के ऊपर बहुत ही शानदार तरी आ गई है, एकदम शानदार वाला इसका परफेक्ट कलर आया है। तो ये इसी तो फिर मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।